अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारून अहमद, पाकिस्तान फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि चारा जो है वो देसी तरीके से कितनी आसानी से काटा जा सकता है। पहले तो हम लोग सुनते हैं कि मशीनों के ज़रिए, यानी कि मशीनों के ज़रिए चारा काटा जा सकता है, लेकिन हमने जो है देसी तरीके से हम चारा काटते हैं। कि वो देसी तरीका क्या है मैं आपको बताऊँगा कि ये कितनी देर में ये जो है ये चारा काटा जा सकता है, और ख़ुद मैं आपको ये जो है चारा काट के दिखाऊंगा। ये आप जगह पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन जगह जो है ये आधा मरले से ऊपर बनती है। ये जगह उस कापे से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 से 7 मिनट में जो है ये जगह जो है जगह से जो है ये चारा काटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको वो औज़ार दिखाऊँगा जिसके ज़रिए जो है वो चारा काटा जाता है। उसको सादे अल्फाज में जो है वो दातर भी कहते हैं और कापा भी कहते हैं, जो लोहे के साथ बनाता है, पीछे से एक मुठ लगी होती है, यहाँ वहाँ से पकड़ के उसको जो है घुमा घुमा के जो है वो चारे को काटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक वो उसी कापे की जो है वो आपको मुतारफ़ कराऊँगा, दिखाऊँगा कि उस पर कितनी लागत आती है और कितना ख़र्चा होता है, और जो है वो किस तरह जो है उससे काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये है देसी औजार, आप देख रहे हैं इसकी लंबाई तकरीबन जो है ये तकरीबन 2 फुट बनती है, और इसके पीछे जो है ये लकड़ी की मुठ लगी होती है, यानी कि लकड़ी का दस्ता जिसको हम कहते हैं, हमारी ज़ुबान में तो इसको मुठ कहते हैं और इसको लकड़ी का दस्ता भी कहते हैं। और ये आगे जो है ये, और आपको नई एक और बात बताऊं कि ये अगर कमानी से बना हुआ हो, ये हमारा कापा जो है ये असल कमानी से बना हुआ, और ये बहुत तेज़ है, लेकिन ये चारा जो है ये बहुत नॉर्मल चारा है। इससे जो है बहुत ही जो है वो आसानी से चारा काटा जा सकता है। इससे ज्वार, मकई, लूसन, बरसीन वगैरह वगैरह जो भी चारा होता है इससे काटा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जो है ये नॉर्मल चारा है, यानी कि सरसों का चारा है। इसको इस तरीके इसको मैं बताऊंगा, इसमें आपको दिखाऊंगा भी किस तरह चारे को जो है काटा जा सकता है। मैं आप खुद इससे काट कर मैं आपको दिखाऊं। तो दोस्तों मैं आपको खुद ही जो है चारा काट के दिखाऊंगा कि किस तरह जो है चारा काटा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसको जो है सीधे हाथ में इस तरह पकड़ना है, और इसमें जो है ये ख्याल करना है कि ये टांगों की तरफ ना आए। ये टांगों को बचा कर ऐसे बड़े एहतियात से जो है ये चारा काटा जाता है, या ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों ये जगह आप देख रहे हैं, ये तकरीबन ये जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक थबी, बड़ी थबी जिसको हम कहते हैं, वो बन गई है। ये तकरीबन जो है ये 8 से 10 सेकंड में जो है ये काटी, यानी कि आधे मिनट में तकरीबन ये काटी गई है, और दांती से अगर आप इसको काटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 मिनट लगेंगे। तो अगर ये 1 मिनट भी लगाएं तो ये 4 मिनट की जो है इतने चारे काटने में जो है इसकी है बचत है। तो दोस्तों पहले भाई ने जो ये है ये जो 3 थबियाँ जो है वो 3 से 4 थबियाँ जो है काटी हैं, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस
चार से पाँच मिनट दरकार हुए हैं। अगर ये चारा जिस तरह चारा ये अभी छोटा है, मौसम के हिसाब से छोटा है, छोटा है और पहली कटाई है, दाती के हिसाब से जो है ये यहाँ 5 मिनट लगे हैं, दाती से जो है 15 से 20 मिनट लगने थे। ये हमारा देसी टोटका है चारे को काटने के लिए। वो आगे जो आप लहर देख रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने जो है ये लहर काटी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकरीबन 35 से 40 मिनट या आधा 35 से 40 सेकंड जो है इसको काटने में लगे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा देसी टोटका है और ये जो कापा है ये तकरीबन हमारे यहाँ 1200 से लेकर 1500 रुपए तक भी बनता है, लेकिन ये कमानी का है। ये तकरीबन जो है ये 1500-1600 रुपए का जो है वो बना है कापा हमारे यहाँ के लिहाज से। पता नहीं आपके गांव का या आपके शहर का रेट क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है चारे को काटने के लिए, ना इस पर कोई बिल आता है, ना इस पर इतना जो है वो आदमी थोड़ा सा जोर वगैरह तो लगता है, लेकिन जहाँ दात्री से जो है आधा घंटा लगता है चारे को काटने से, यहाँ इस पे जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 से 10 मिनट जो है चारे को काटने में लगेंगे। तो ये जो है ये 2 से 2.25 हिस्से जो है टाइम की बचत जो है ये कापा करता है, और बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये चारे को काटा जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो है ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है वो जल्द ही मालूम हो जाए और आप देख सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।